महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले की सतना तालुका में स्थित है श्री दिगंबर जैन देवस्थान सिद्ध क्षेत्र मांगीतुंगे जी, जो भगवान श्री राम, हनुमान, नल, नील सहित 99 करोड़ तपस्वियों की मोक्ष स्थली के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में स्थित इस युगल शिखर वाले सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है बलदेव जी सहित तीर्थंकर भगवंतों एवं अरिहंतों मुनिवरों की हजारों प्राचीन प्रतिमाएं, जिनके दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मांगीतुंगे तीर्थ की निरंतर दो यात्राएं करने से श्री सम्मित शिखर जी की एक यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है और जो भी श्रद्धालु पांच पूर्णिमा के संकल्प के साथ मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी एवं मनोज्ञ प्रतिमा का दर्शन अभिषेक करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पर्वत के तलहटी में स्थित श्री मुनि सुब्रतनाथ जैन मंदिर में विराजमान है शनि ग्रह अरिष्ट निवारक भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की 20 फीट उत्तुंग श्याम वर्णीय खड़गासन मुद्रा वाली प्रतिमा, जिसका प्रत्येक शनि अमावस्या के दिन महामस्तकाभिषेक किया जाता है। आप भी यहां आकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की इस अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन के साथ साथ तीर्थ के मूल नायक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में सहभागी बन महापुण्य का अर्जन कर सकती है। दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए तीर्थ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक भव्य धर्मशाला बनी हुई है, जिसकी एडवांस बुकिंग के लिए www.mangitungi.org पर लॉगिन करें। चिंतामणि पाठ और भगवान जी के चरणों में आइए बिना विषय को प्रारंभ करें। उसके पूर्व प्रतिदिन इस मंच से निवेदन करते आ रहे हैं कि आने वाले 26 दिसंबर को इस वर्ष की अंतिम पूर्णिमा हम विशेष रूप से बाबा पाटना के चरणों में विशेष विषय के माध्यम से करने का प्रयास करें, बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रूप में पधारे और यदि संभव नहीं है तो हम परोक्ष रूप में भी अपने घर बैठे बाबा पार्श्वनाथ जी का अभिषेक मात्र एक कलश से क्यों न हो करवाने के पुण्य सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें एक कलश करवाने की राशि मात्र 1500 रुपये ही रखी गई है और पूर्णिमा की शांति द्वारा बाबा पार्श्वनाथ जी के पूज्य मस्तक पर आपके पूरे परिवार के जीवन के मंगल कामना के साथ आइए मात्र 5100 रुपये की राशि में आप करवा सकते हैं, दे सकते हैं और दूध धारा सरोजनी धारा 2500 रुपये की राशि में हम आपके नामों के द्वारा प्रतिदिन बाबा पार्श्वनाथ जी का भी विशेष अंगारा होगी। यहाँ जो दिया गया नंबर है स्क्रीन के ऊपर आप उस पर तत्काल संपर्क करें, अपने नाम प्रेषित करें। मंच इस मंच से जो जो भी नाम आते रहेंगे उनकी चर्चाएं प्रतिदिन इस मंच से होती रहेगी। आइए वंचित नहीं रहे, भगवान पार्श्वनाथ जी के श्री चरणों में अपनी भक्ति एक रश के माध्यम से क्यों न हो अवश्य अवश्य समर्पित कराए। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओलीं क्लीं क्लीं ऐं परमम हं तं तं पं पं परमम हं तं 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 पं पं जं जं जीं 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 रां रां प्रीं प्रीं दावे दावे ॐ नमो अर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलदावे करो मित्रा। ॐ रीं प्रीं प्रीं ऐं परमं मं हं तं तं पं 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 मं मं हं पं तं 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 पं पं जं जं जीं 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 रां रां प्रीं प्रीं दावे दावे ॐ नमो अर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता यह सिद्ध क्षेत्रों के तीर्थ क्षेत्रों के तीन प्रकार होते हैं, एक तीर्थ क्षेत्र, एक सिद्ध क्षेत्र और एक अतिशय क्षेत्र। तो तीर्थ क्षेत्र जहां से तीर्थंकर मोक्ष गए वह तीर्थ क्षेत्र कहलाते हैं। तो तीर्थ क्षेत्रों में
प्रमुख माना गया है समय शिखर। सिद्ध क्षेत्रों में जहां से महान आत्माएं मोक्ष गई तो सिद्ध क्षेत्रों में प्रमुख माना है मांगी तुंगी को। और तीसरे क्षेत्र जहां चमत्कार होते हैं, जहां विशेष घटनाएं होती है, उसे अतीत क्षेत्र कहते हैं। तो भगवान प्रार्थना की मूर्ति यह अतिशयुक्त है, यहाँ सदैव चमत्कार होते हैं और अनेक भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं वो यहाँ आके बताते हैं। तो प्रभु प्रार्थना जिनका जब समर्पण चलता था तो चहुओं धर्म की वर्षा होती थी, आदि व्याधि दूर हो जाती थी और सब संकट दूर हो जाते थे। तो ऐसे साक्षात प्रार्थना भगवान से अपन जो मांगे वह अपने को मिल जाता है। जो भक्तगण मांगी तुंगी आए लाइव को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो भगवान की शांति धारा करेंगे, जिन्होंने अभी से किया है, उन सबके जीवन में सुख समृद्धि और मंगल। परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय अनंत संचार चक्र परिमर्जनाय अनंत रत्नाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक भजन कराय सत्य ज्ञानाय सत्यमय धर्म दफला मंडाय पंडिताय ऋषि अधिदास रावत लालिका नाथ प्रमुख कथतुर सपन नाथाय गादी कर अभिनंदन और गादी कर सर्व चेतेदी राजेंद्र भाई गंगवाल नाम देश्य सत्यभार्य श्रीमती चेतन चेतन सुजल मोक्ष चंद्रभागा शोभा आशा प्रीति दिशा सृष्टि सर्व संगम निवास सर्व गंगवाल परिवार से दिशा नाम से तस्या जन्म दिवस अवसरे सर्व परिवार से थी धन्य कुमारी देवेंद्र नगर अन्ना निवास सर्व परिवार से दौलत परिवार मुंबई निवास से सूर्य कांति अंबरे जीवन चरटे सर्व परिवार से चंपला जी मंगला जी जैनपुर निवास सर्व परिवार से सर्व मांगी तुंगी ट्रस्ट कमेटीगण मांगी तुंगी कर्मचारीगण मांगी तुंगी निवासी सर्व यजमान से सर्व कुछ कस्य तस्याम आपत्ति भय कष्ट सकृतवतम शांति पुष्टि पुष्टि चुकुर गुरुमान इतने दूर दूर से हमारे ज्ञानी लोग आते हैं, उसको सच्चा भक्ति दे अपने सत्य हृदय से भक्ति करेगा तो यही पुण्य का फल होगा। आए नहीं आए ये बराबर है, ठीक है, बिना जो आए हैं जिनको सच्चा भक्ति दे उनका फल की प्राप्ति होगा। हमारे जो आठ हमारे मध है तो हमारे अंदर जो मत को हमारे अंदर जब नहीं निकालेंगे तब तक हम भगवान बनने की शक्ति नहीं है। इसलिए इतना हम पुण्य संचय करना चाहते हैं, इतना मिल सकता हमको हमारे भगवान पारिश्नाथ भगवान के इतना अतिशय है, उसको जितने भी हम दर्शन करने आएंगे पुण्य का संचय करे सच्चा भक्ति करेगा वही साथ में आने वाला है।